नमस्कार, हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। पहले मुख्य समाचार। हिमाचल उपचुनाव के नतीजे पर सीएम जयराम का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में किया इस्तेमाल। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह की बड़ी जीत, बोली जनता के आशीर्वाद से ये संभव हुआ है। जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर, अर्की से संजय अवस्थी और फतेहपुर से भवानी सिंह पठानिया जीते। कांग्रेस की शानदार जीत से राजीव शुक्ला गदगद, बोले जीत का देशव्यापी असर होगा। कुलदीप राठौर ने मांगा सीएम से इस्तीफा, बोले धनबल पर जनबल की जीत। विक्रमादित्य सिंह ने जनता को दिया कांग्रेस की जीत का श्रेय, बीजेपी पर लगाए ये आरोप। राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में नूरपुर की बेटी करेगी प्रदेश का प्रतिनिधित्व। राजगढ़ में 50 टीन बिरोजा बरामद, पिकअप में अवैध रूप से हो रही थी सप्लाई। और अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि उपचुनाव में आए जनमत का वे सम्मान करते हैं। उन्होंने कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी को बधाई दी, साथ ही कहा कि बीजेपी और शीर्ष नेतृत्व ने मिलकर उपचुनाव लड़ा और खूब मेहनत भी की, लेकिन परिणाम आशा के अनुकूल नहीं रहा। हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा और 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत के लक्ष्य को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। महंगाई मुद्दा था और कांग्रेस ने इसे भुनाया, लेकिन ये बात भी है कि महंगाई वैश्विक मुद्दा है, हिमाचल में ही इसका असर नहीं है। सीएम ने कहा कि मंडी में कांग्रेस की जीत जरूर हुई है, लेकिन जश्न मनाने लायक जीत नहीं हुई है। फिर भी जनमत का वे सम्मान करते हैं, आज तक के इतिहास में सबसे कम अंतर की जीत है। हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह करीब 7,490 वोटों से चुनाव जीती है। उन्होंने करीब 3,69,565 वोट हासिल की है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी ब्रिगेडियर कुशाल चंद ठाकुर को 3,62,075 वोट मिले हैं। जीत के बाद प्रतिभा सिंह ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। साथ ही उनका कहना है कि जिस तरह से उपचुनाव में कांग्रेस को समर्थन मिला है, उससे ऐसा लगता है कि जनता ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का मन बना लिया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में हुआ विकास रहा, इसमें महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा रहा। लोगों में महंगाई को लेकर गुस्सा है और इसका प्रभाव उपचुनाव में दिखा। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा उपचुनावों के नतीजे भी कांग्रेस के पक्ष में हो गए हैं। जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर ने 6,293 मतों से चुनाव जीता है। उन्होंने कुल 29,955 वोट हासिल किए। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी चेतन ब्राक्टा को 23,662 वोट मिले हैं। बीजेपी की नीलम सराई को 2,644 और निर्दलीय प्रत्याशी सुमन कदम को 175 वोट मिले हैं। अर्की से कांग्रेस के प्रत्याशी संजय अवस्थी ने 3,277 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने 30,798 वोट हासिल किए हैं। बीजेपी के प्रत्याशी को 27,789 वोट मिले हैं। इसके अलावा फतेहपुर में कांग्रेस के भवानी पठानिया 5,779 वोटों से विजय रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों में बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया है। कांग्रेस ने चारों सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस की इस शानदार जीत से कार्यकर्ता और नेता गदगद हैं। वहीं हिमाचल उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने खुशी जाहिर की है। प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि इस नतीजे का देशव्यापी असर होगा। राजीव शुक्ला ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने बीजेपी की सत्ता को हटाने का मन बना लिया है। आज हर वर्ग महंगाई से परेशान है। आम जनता को राहत देने के लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। आज उपचुनाव में हिमाचल की जनता ने प्रदेश सरकार को करारा जवाब दिया है। राजीव शुक्ला ने दावा करते हुए कहा है कि निश्चित तौर आगामी विधानसभा चुनाव में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रदेश उपचुनाव में चारों सीटों पर कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल बीजेपी पर फतह हासिल की है। कांग्रेस ने इसके लिए प्रदेश की जनता का धन्यवाद जताया है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा जनता का विश्वास और समर्थन खो चुकी है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा देकर प्रदेश में तुरंत चुनाव करवाए जाने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि उपचुनावों में धनबल पर जनबल की जीत हुई है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी चारों सीटों में हारी है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई ऐसी पार्टी से थी जिसने धर्म जाति क्षेत्र के नाम पर देश को बांटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई के कारण गरीब जनता को दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है। लचर कानून व आर्थिक हालत जनता के सामने है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस ने चुनावों में जीत हासिल की है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जीत ने तय कर दिया है कि मंडी यहां की जनता की है, ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। दरअसल सीएम ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि मंडी हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। विक्रमादित्य सिंह ने जीत के बाद इसका जवाब दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा ने पूरे चुनाव प्रचार में असली मुद्दों से जनता को भटकाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था और कांग्रेस इसी को लेकर जनता के बीच गई थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, सड़कों की हालत खस्ता है। मुख्यमंत्री प्रचार में भी हवाई जहाज से आते थे, सड़कों के गड्ढे उन्हें दिखाई नहीं दिए। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। चंडीगढ़ में भारतीय जूडो संघ द्वारा नेशनल सब जूनियर और कैडेट जूडो चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इस चैंपियनशिप में नूरपुर स्पोर्ट्स क्लब की खिलाड़ी एवं कोपरा पंचायत की निवासी मधु शर्मा 73 किलोग्राम भार वर्ग में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी। इससे पहले मधु ने 32वीं हिमाचल प्रदेश जूडो चैंपियनशिप शिमला में गोल्ड मेडल जीतकर हिमाचल प्रदेश की नेशनल टीम में अपनी जगह पक्की की थी। प्रदेश जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने मधु शर्मा को प्रोत्साहन के रूप में 25,000 रुपए की राशि भेंट की है। उन्होंने नेशनल जूडो चैंपियनशिप में मधु शर्मा के बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। वहीं नूरपुर स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष अंकित सूरी ने कहा है कि नूरपुर स्पोर्ट्स क्लब के कई खिलाड़ी विभिन्न खेलों में नेशनल चैंपियनशिप में हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सिरमौर उपमंडल राजगढ़ में अवैध रूप से ले जाए जा रहे बिरोजे के 50 टीन पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार यशवंत नगर पुलिस चौकी की टीम यशवंत नगर के आसपास सामान्य गश्त कर रही थी। इसी बीच सुनौरा से गिरिपुल की ओर आ रहा एक बुलेरो को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका। तलाशी के दौरान पिकअप में प्लास्टिक की क्रेट लदी हुई मिली थी जिसके नीचे बिरोजे के 50 टीन बरामद किए गए। पुलिस द्वारा बिरोजे के संबंधित कागजात मांगने पर वाहन चालक कोई कागजात पेश नहीं कर पाया, लिहाजा पुलिस ने 50 टीन बिरोजा अपने कब्जे में ले लिया। मामले की पुष्टि राजगढ़ के DSP भीषण ठाकुर ने की है। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया है कि पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि ये व्यक्ति बिरोजा कहां से लाया था और कहां लेकर जा रहा था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।